आप लोगों का एक सरप्राइज है, आप सरप्राइज ही देने वाला हो, तो कैसा फील हो रहा है? अरे भाई कितना एताको ठुलो माई हाँसी दियो मोको 6,300 फीट है अबव द सी लेवल, और ये किंग इरा के टाइम से माना जा रहा है ये मंदिर। और ये है आत्मल डारा करके बोलते हैं, इवनिंग में टहलने के लिए आते हैं और थोड़ा नज़ारा देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे थोड़ा धीरे चलाना पड़ता है क्योंकि जो नीचे खाली है, और सेफ्टी देख के चलाना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ घड़ी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशल हेलेना। सो दिस इज कुशल एंड हेलेना। हेलेना हाय। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग भी ठीक है। तो बहुत दिन से वीडियो कर नहीं पाया था, तो ड्यूटी है ना, ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलता है, तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। आज हम दोनों जा रहे हैं एक शॉर्ट राइड पे, तो जो हमारा राइड का लोकेशन है वो गढ़ी मंदिर है ऊपर, जो सिंगताम से यो जो मेरा घर है कुछ तो थे देखो, जो सिंगताम से जो मेरा घर है 11 किलोमीटर है, और यहाँ से जो गढ़ी मंदिर है कम से कम 9 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, और गढ़ी मंदिर के बाद हम लोग जाएंगे पाचक पे, एक नया गुम्बा है तो गुम्बा में भी जाएंगे। और आप लोगों का एक सरप्राइज है, आप सरप्राइज ही देने वाला हो, तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। तो बने रहिए गाइस, सी यू। आज हम लोगों को जाना है यहाँ पे, ये जगह पे जाना है, यहाँ पे है गढ़ी मंदिर। और आज का मौसम भी कुछ खास है, दोनों बाइक रेडी है, और बाइक है जो RC 390 मेरा बीस्ट, बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद ये जो है ड्यूक 200। सो ये सरप्राइज़ है, हेलिना आज राइड कर रही है ये ड्यूक 200। सो हेलिना भी बहुत बढ़िया राइडर है, तो ये 2016 से बाइक राइड कर रही है, अभी करीबन कम से कम 7 साल तो हो ही गया। आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया नहीं था अभी तक, जो हेलिना राइड करती है, तो आज से जो हमारा ब्लॉग में हेलिना भी राइड कर रही है। और रेडी रोनी, बाय बाय। जाने न जाने घरमा बस्ने किन किन बिमार छौ? यताको ठुलो माई हाँसी दियो मोको मामा हो, हल्ला नगरी चकचक नगरी बस्नु ल, अब अलिक ठुलो भएर बाइकमा चढ्नु पर्छ ल। सो गाइस अभी बिना देरी किए हुए निकल लेते हैं, और बाइक भी थोड़ा मतलब साफ सुथरा नहीं है, बहुत मैला है। सो अभी निकल लेते हैं, और हेलिना भी रेडी है। हेलिना रेडी? ओके लेट्स गो। सो आज बहुत दिन बाद बाइक का राइड ले रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हेलिना भी बहुत बढ़िया राइडर है, बहुत बार उनके पीछे बैठ के चला हूँ, ज़्यादातर मैं किसी के पीछे नहीं बैठता हूँ, और हेलिना जो है ना वो बहुत अच्छा राइड करती है, तो उनके पीछे बैठने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो आज का राइड जो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त और बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हाँ मोबाइल शायद गाड़ी ने निकाला होगा मोबाइल। रास्ता कब बनेगा? रास्ते के कारण से बाइक राइड करना भी, ये 390 तो ऑफ रोडिंग तो कर ही नहीं सकते, मज़ा नहीं आता है। ड्यूक थोड़ा सा मज़ा आता है ऑफ रोडिंग करने में। अभी ये अब दोनों राइड करने के बाद फिर दोनों बाइक को सर्विसिंग में भी डालना है, ड्यूक को भी और इसको भी। यहाँ पे तो रास्ता बहुत ख़त्म हो गया है।
यहाँ पे हमारा जो हमारा गांव का क्लब हाउस बन रहा है और हम लोग निकलने वाले हैं PMGSY रोड से PWG रोड। सो ये है 0 पॉइंट। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे राइट। यस, अभी थोड़ा सा अच्छा है रास्ता। जो गाड़ी मंदिर है ना गाइस, 6300 समथिंग फीट है अबव द सी लेवल और ये किंग इरा के टाइम से माना जा रहा है ये मंदिर और बहुत पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ सिक्किम। और यहाँ पे काली माता का मंदिर है, काली माँ को माना जाता है यहाँ पे। अरे लीना भी भगा रही है गाड़ी, थोड़ा धीरे से, मस्त चलाती है बाइक, मस्त चलाती है। यहाँ पे थोड़ा धीरे चलाना पड़ता है क्योंकि जो नीचे खाड़ी है और सेफ्टी देख के चलाना पड़ेगा यहाँ पे। वाओ कितना अच्छा मौसम, सुबह का जो विंटर वैकेशन भी ख़त्म ही हो रहा है और जो इस टाइम में ना मतलब उतना ठंड भी नहीं होता है और गर्मी भी नहीं होता है, एक मतलब मीडियम टेम्परेचर रहता है। तो इस टाइम में बाइक राइड करना मेन सीज़न है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, अच्छा ले लिए इसी जगह में भी टोटल दे रही है। थोड़ा सा टोटल दिया उसको, मैं थोड़ा टीजिंग कर रहा हूँ। कुछ बोल रही है, धीरे चलो करके बोल रही है। ये ड्यूक में ना हम लोगों ने मुस्तांग राइड के लिए लगाया था ये जाना का गार्ड पीछे का, जो सैडल बैग लगाने के लिए सैडल गार्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सैडल गार्ड के कारण से ना सैडल बैग इतना अच्छी तरीके से बैठता है वहाँ पे बाइक पे। अभी हमारा नेक्स्ट साइड है, थोड़ा दूर का ही है नेक्स्ट साइड, है नीरोला गोलाई करके बोलते हैं, बहुत मतलब पुराना नाम है उनको ना। तो बार बार हाथ नीचे कर रही है क्योंकि उसको हाथ में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद चला रही है ना बाइक, तो थोड़ा सा हाथ में तो दर्द होगा ही होगा क्योंकि जो डेली चलाते हैं ना आदत हो जाता है, और वो डेली तो गाड़ी ही चलाती है, बाइक नहीं चलाती है। और ये है आत्मल डारा करके बोलते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग इवनिंग में टहलने के लिए आते हैं और थोड़ा नज़ारा देखने के लिए आते हैं, जो ये आत्मल डारा का जो नज़ारा है बहुत बढ़िया है, यहाँ से सब जगह पे दिखता है। और यहाँ पे टर्न है, थोड़ा रिस्की वाला टर्न है, थोड़ा हॉर्न दे के ही करना पड़ेगा। ओ गॉड क्या रोड है भाई, बहुत एक्सपीरियंस है। कता बढ़ाओ ए, और यहाँ पे बहुत एकदम खतरनाक रास्ता था पहले, तो थोड़ा सा अभी ठीक तो बना है, फिर भी उतना बढ़िया ठीक नहीं है, बढ़िया तो नहीं है। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आगे आम्बो, स्कूटी में क्या है ये भारी आम्बो। यहाँ अप्ठ्यारो छ, डर लाग्दैन हाँ? अरे अलगै होसियार छ हाँ,
यहाँ अलिक अप्ठ्यारो छ, डर लाग्दैन भनेको हाँ, तिमी अगाडि गर ल ल। सो ये रास्ता है, ये एकदम खतरनाक रास्ता है। अभी तो ठीक है, इतना बहुत चढ़ाई है, अभी डर लग रहा है लीना कैसे चलाएगी। आम्मा माम, अरे चला लेती है, आराम से चला लेती है। आम्मा माम, ऐसा खतरनाक रास्ता, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया राइडर हो गया अभी। जितने भी ये एरिया है, इस एरिया को रालुंग बोलते हैं, और सारे बच्चे लोग स्कूल के लिए रेडी है। और यहाँ रालुंग से थोड़ा 2 किलोमीटर आगे सेंटर पांडम स्कूल है, सेंटर पांडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पासीनाम गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैसा ही नाम है, और टीकालाल निरोरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल TNSSS, जिन स्कूल पे मैं भी पढ़ा हूँ। अभी हम लोग घुस रहे हैं रालुंग से सेंटर पांडम की तरफ, और सेंटर पांडम के बाद फिर ऊपर बुदांग रोड पे जाना पड़ता है। अभी सुबह का स्कूल टाइम भी हो रहा है, और जो हम लोग पहुंच रहे हैं अभी सेंटर पांडम स्कूल, थोड़ा राइट साइड जाएंगे तो सेंटर पांडम स्कूल है, और अभी ये रोड से जाते हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता पहुंचता है डायरेक्ट रंगपू भी पहुंचता है, और पाक्योंग भी पहुंचता है। अरे यहाँ भी खतरनाक, वाल भी पूरा ब्रस्ट हो गया है, वाल पूरा ब्रस्ट हो गया है। तो अभी ये समर में तो जाएगा ये वाल। हेलो, अभी यहाँ आगे से रोड डाइवर्ट है, और यहाँ से 2 तरफ का रोड है। अभी हम लोग को जाना है ऊपर वाला रोड, और नीचे वाला रोड से जाएंगे रंगपू, यहाँ से रंगपू डूगा और पाक्यों, और ये रोड से जाएंगे गली मंदिर, गली मंदिर होके फिर पाचक होके फिर घूम के पाक्यों भी जा सकते हैं। पूजा का प्रसाद किन्नु पर्दैन त्यतिले हुन्छ ल त्यसो भए। अभी हम लोग पहुंच गए गढ़ी फाटक, अभी यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट ये गढ़ी मंदिर की तरफ, और सीधा जाएंगे तो पाचक और पाक्यों। अरे यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। फर्स्ट गियर में चलाना पड़ेगा। अरे बाप रे भाई, रोड तो यहाँ पे भी इतना बढ़िया बड़ा घर बन चुका है। क्या हो गया? हाँ यही बाटो तो होता, हाँ उही माथि सामान हो, त्यहाँदेखि अलिकति छ, अलिकति छ, हिँड न किन, मजाले कुदाउँदो रहेछ त अफ रोड, मजाले कुदाउँदो रहेछ अफ रोड, हिँड अगाडि हिँड। वाओ कितना सुंदर है, ये दोनों तरफ का जो पेड़ है ना, हाई अल्टीट्यूड का पेड़, बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई कितना
अरे भाई क्या है, उयाँ राख्नुपर्छ बाइक अगाडि, जस्ट अगाडि हो, अभी पहुँचने वाले है। और यहाँ पे जो थोड़ा वहाँ से थोड़ा सा नीचे है मंदिर, और बाइक को उधर आगे रख लेते हैं, बस यहीं पे, यहीं पे इधर ही रख दो बाइक, मैं उधर डालता हूँ साइड में। एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको, मैं पत्थर डाल दूँगा। मेरा तो अटक गया कि इसको यहाँ डाल देते हैं। लगा लो, लगा दो, उधर जाओ, अरे इतना ऑफ रोडिंग भी आराम से कर दिया तो अब बहुत बढ़िया राइडर हो गई हो। मैंने तो मान लिया आपको, मान लिया, बहुत मान लिया, सच में मान लिया। हो मैं यो अफ रोडिंग कर सोचे थी ना। सो गाइस फाइनली वी रिच्ड गढी मंदिर। दिस इज माय हीरो। हीरो व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स गो। कैमरा एंगल ठीक था कि नहीं था कि वो चेक कर रहा था। ओके कैमरा एंगल बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, देन लेट्स गो। के बाद आपको भी राइड करना है और सोलो राइड भी करके डाल सकती हो, वीडियो बना गर्ने बहिनीले अब। सो ओके गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गढी मंदिर, और गढी मंदिर में ये जो रोड है, ये रोड यहाँ पे है, यहाँ पे बाइक पार करके, और ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ से नीचे जाना पड़ेगा। और ये जो गढी मंदिर है 6300 समथिंग फीट है अबव द सी लेवल, और ये ईस्ट पांडम बुदांग में स्थित ये गढी मंदिर है। लेना आपको पता है आप कितना, मतलब इसका आपका विजिट कौन सा विजिट है, फर्स्ट की सेकेंड थर्ड विजिट? और ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, सदियों से मान के आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ ऐसा हो गया है एंट्रेंस में। अभी इसको आई थिंक दिस इज द स्विस स्टैंड। ओके मंदिर पैर रख देते हैं, इसको भी यहाँ रख देते हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस। दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ गढ़ी। ये जो वॉल है बहुत ऊपर तक गया है, पूरा चेंज हुआ है अहिले त। खुट्टा पुरा चिसो भयो होइन, यस्तो थिएन नि पहिले। यो चाहिँ पूजा गर्ने जग्गा, पूजा गर। फर्स्टदेखि चाहिँ हाम्रो याद छैन कि, हजुर फर्स्टदेखि याद हुँदैन हामीलाई, त्यति बेला जाँदा के मन्दिरको जति काम यो भएको छ सबैले हामीले गरेको। दामी भएछ नि त हौ अहिले त मन्दिर त, पूजा भी हो खत्म हो रहा है। और जो मेन मंदिर है यहाँ जो ये गेट्स के अंदर है, तो अंदर का जो वीडियो है हम नहीं लेंगे, क्योंकि मंदिर में एक रिस्ट्रिक्शन होता है, अंदर वाला वीडियो नहीं लेना है। तो हम भी यहाँ अपने गांव में ऐसा नहीं करेंगे इस चीज़। मंदिर के आगे छोटा सा एक व्यू पॉइंट है, तो हम लोग व्यू पॉइंट में व्यू देखने के लिए जा रहे हैं। और नीचे का जो व्यू है यहाँ से डुगा, सटपांडम, जितलांग, रंगपू, वेस्ट बंगाल भी दिखता है यहाँ से, और वो व्यू पॉइंट है ये। वाह हेर न आम्बो क्या छंगे रहेछ नि त व्यू पॉइंट, बहुत बढ़िया बनाया है।
पहले ऐसा नहीं था, ये तो ज्यादा नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। आम्मा मामा यहाँ तो इसको बनाई दिए नहीं छंगे, और सेफ्टी के हिसाब से बनाया है। जो इसका हाइट है करीब हम 5 फुट है, जो मेरा हाइट 5 फीट है। हाँ 5 फीट ये 4 इंच चौक है ना, यहाँ सेफ्टी को पूरा मद्देनजर में रख के बनाया है ना ये। और यहाँ से जो नीचे का जो गांव है ऐसा दिखता है, इतना अच्छा दिखता है सोन सर का है ना। और ऊपर ये जो दिख रहा है ना उधर में पर को ग्राउंड देख रहे नी, तो सेंटर पांडम स्कूल को ग्राउंड हो। उधर वाला एकदम डांडा के उस पार वाला, नदी के उस पार वाला है वो वेस्ट बंगाल है, और ये नीचे वाला डुगा है। तो दामी व्यू है यार, ल जाऊँ अब लेट्स गो। हाम्रो मन्दिरको भ्रमण पनि खतम भयो, सो वी विल बी हेडिङ टुवर्ड्स पाचक गुम्बा। त्यो बाटो खाना के खानु, बाटोमा के खाजा खानुपर्छ त्यही बाटो भएर जानुपर्छ, घर नजिकै हो, त्यस्तो टाढो छैन, राम्रो छ बाटो हो र। अच्छा मेरो के मैले यहाँनिर उहिले नै फोटो खिचेको छु नि, यहाँ यो 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 अहिले होइन त, यो यो त गुरुजी बसेर टिका लगाइदिने ठाउँ होला नि त, होइन के गीत गाएको त उसले हनुमानको यस्तो थियो। हुन्छ त्यस्तो हनुमान फेरि गर्नु त बनो जव मारत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठ अन्धमतात्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतं चरणं प्रपत्ति। हनुमान चालीसामा त छैन त्यस्तो, अन्त के हुन्छ मङ्गलबार जन्मेको होइन हनुमान, खै हनुमान मङ्गलबार जन्मेको। सो फाइनली गाइस मैं अपना वीडियो यहीं पे इन करने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे पाचक गुम्पा पे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।